Hi, my name is Samantha Pari, you're watching Ajpal YouTube channel. Friends, दोस्तों हम आज कुछ नया सीखेंगे। देखिए, मैं जितना जानता हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, मेरे पास एक टेबल फैन है और ये किसी भी स्विच दबाने पर ये रन नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तो रिपेयर करना चाहिए। देखते हैं इसे खोल के। फ्रेंड्स, मैंने वो मेरे हाथ में जो आप लोग देख रहे हो, मैंने उसे अनबॉक्सिंग भी किया है। अच्छा टेस्टर, लाइन टेस्टर, उसकी प्राइस बहुत कम है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, हम इसे खुलेंगे, देखिए इसकी पीछे की तरफ क्या हुआ है। इसे बहुत, इसकी कलर तो छूट चुका है, हम इसे बाद में कलर भी करेंगे अगली वीडियो में। पहले उसकी हम रिपेयरिंग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये तो सप्लाई लाइन है, जो फ्यूज है आया है उसके। तो हम, मेरे हिसाब से इसकी क्या खराबी होगी, आप लोग कमेंट कर बताना कि इसकी खराबी क्या हो सकती है। पहले हम इस वायर का पहले कंटिन्यू ना भेंगे, शायद वायर ही खराब ना निकले। देखते हैं वायर खराब है कि नहीं। देखिए, वायर एकदम सही है, एक बार तो सही है, अगली बार भी हम देखते हैं दूसरे वायर को। ये आ रहा है कंटिन्यूटी, मतलब ये सही है। आप लोग ऐसे एक तार को कंटिन्यूटी ले सकते हो। रिपेयर करना बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। और एक सब्सक्राइब जरूर करना ना फ्रेंड्स, मेरे प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हो। मेरे वीडियो में मैं जो भी चीज़ बताता हूँ जेन्युइन बताता हूँ, ना ही कोई फेक वीडियो आपको लोगों को मैं पहुँचाता हूँ। इसकी टैब हम पहले खोलेंगे, देखेंगे कार्बन वगैरह लग तो नहीं गया। कार्बन लगने से भी करंट कम आती है फ्रेंड्स, आती नहीं तो पंखा चलेगा क्यों। तो इसीलिए हम पहले जितने भी जर्न हैं हम सबको खोलेंगे, बारीकी से हम देखेंगे कि ये थोड़ा कार्बन तो नहीं जमा है। देखिए, इसे भी हम कंटिन्यूटी से नापेंगे, पहले वाले नापे हम दूसरी वाले अब नापेंगे। ये भी आ रहा है, तो उसकी लाइन वाला जो प्लग पिन है वो सही है, आपको ये पता चला। इतना आपको पता लग गया होगा कि, तो बाद में देखते हैं और एक बार कंटिन्यूटी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ये सही है, आ रही है इसकी एक पिन पर। हम इसे देखते हैं अब कैपेसिटर में लगा के, देखिए ये थोड़ा छील लेते हैं। लगा हुआ कैपेसिटर मार्केट में नहीं मिलता फ्रेंड्स, आपको अलग से कैपेसिटर लगाना पड़ता है। आपको इसीलिए 2 माइक्रोफैराड का ही लगाना पड़ेगा। अच्छा खासा चलता है फ्रेंड्स। सही चलता है ये इस पंखा। देखिए, उसकी जो स्विच वगैरह है, ये एक बार ख़राब हो गया था, मैंने उसे रिपेयर किया था। ये करीब 3-4 साल हो चुका है फ्रेंड्स। और उसकी जो कोयल का वेंडिंग है, उसे भी हम देखेंगे कि बाद में ये एल्युमिनियम में है या कपर में। मैं इसे 700 रुपये में ख़रीदा था फ्रेंड्स, तो आपको पता लग क्या होगा कि ये कपर में होगा कि एल्युमिनियम में होगा, आप कमेंट कर जरूर बताना। जितना अंदाजा लगा सकते हो फ्रेंड्स, उतनी अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाने से डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, तो हम इसे, मैंने निकाल दिया। वो जो तीनों तार आप देख रहे हो, ये येलो वाला, ब्लैक वाला और रेड वाला, ये सीधा मोटर से आया है। तो फ्रेंड्स, ब्लैक और येलो को हम टेस्ट मारते हैं, तो देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, जो आना चाहिए। तीनों तार में कंटिन्यूटी आना चाहिए। रनिंग वेंडिंग होता है, स्टार्टिंग वेंडिंग होता है। देखिए, येलो और रेड पे भी नहीं है,
तो अभी हम ब्लैक पे देखते हैं। आप भी ऐसे कंटिन्यूटी नाप सकते हो फ्रेंड्स। देखिए आ रहा है, आ रहा है ना। देखिए आप भी जब इसे एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, आप भी जब इसे कंटिन्यूटी नापोगे तो तीनों तार में आना चाहिए, और चार तार निकला है तो चार तारों में ही आना चाहिए, पांच तार निकला है तो पाँच ही तारों में आना चाहिए। कोई एक तारों में नहीं आया तो पंखा कभी घूरेगा ही नहीं। तो हम इसे खोलते हैं, इसकी अंदर भी देखेंगे क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए ये सस्ती पंखा में ऐसा ही दिक्कत होता है। मैंने भी जब दुकानदार से पहले ख़रीदा था ऐसे ही वो मुझे एक वायर फंस के दिया था, बाद में टूट गया था, मैंने खुद कसा हूँ। पाँच छः साल हो गया तो ऐसा ही थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। सस्ता लगी ये पंखा, अच्छा चलता है फ्रेंड, ज़्यादा वायर नहीं लगता मेरे हिसाब से, वो 20-25 वाट लेता होगा। खुलते हैं इसे, देखिए फ्रेंड्स इसे खुल गया, बहुत ईजी है। अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप मोबाइल वगैरह देना नहीं तो किरोसिन दे देना फ्रेंड्स। ये खुल जाए पहले किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को खोलने से पहले फ्रेंड्स, कोई मोटर भी आप खोल रहे हो पहले और मार्क लगाना ज़रूरी होता है। देखिए आप मार्क ज़रूर लगा लेना। ये पंखा खोलना बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स, इसकी अंदर में बहुत, इसकी वाइंडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। देखिए हम जितने दूर जानेंगे उतने दूर नहीं करेंगे, मैं आपको तो पहले बता चाहूँगा खुद की चीज़ पहले खुद करो। देखिए मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा दे सकता हूँ फ्रेंड्स, बाद में आपकी एक्सपीरियंस से होगा आप कैसे कर पा रहे हो। देखिए इसकी वाइंडिंग ऐसा ही है, थोड़ा दिक्कत कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स हम इसके अब जंड वगैरह खोल लेते हैं। मैं एक बार पहले से भी मैंने इसे खुला था फ्रेंड्स, तो देखिए येलो तार में तो नहीं आ रहा था वाइंडिंग, देखिए अभी आ रहा है। देखिए ब्लैक और येलो पे अभी आ रहा है, तो येलो इसकी वायर भी अच्छा है। तो अभी दिक्कत क्या कर रहा है, इसकी कॉइल में ही कुछ दिक्कत है। तो देखते हैं इसकी जंड वगैरह खोल लेते हैं। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप सच्चाई को जान पा रहे हो, तो मेरे वीडियो पे मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताऊंगा जो है कौन कौन सी दिक्कत करती है। आपको दिक्कत पता चल जाएगी तो काम भी आपको आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए अच्छी तरीके से आपको खुलना है, सावधानी से खुलना है, एक भी कॉइल टूट गई तो आपकी काम बेकार हो जाएगी, पंखा को आप फेंकोगे ही फेंकोगे और उसके काम कुछ नहीं रहेगा। देखिए इसमें बार्निश लगा दे बहुत हार्ड हो जाती है फ्रेंड्स, मैंने जब इसे पहले लगा लिया था। आपको मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जब मैंने इसे ख़रीदा था, मैंने इसे खोल दिया था नया, जब नया ख़रीदा था तो क्या इसे वेंडिंग था और उसमें बार्निश ही नहीं लगा था, मैंने खुद उसे बार्निश लगाया, इसीलिए वो 3 से 4 साल चल गया फ्रेंड, नहीं तो ये 1-2 साल में ख़राब होगा ही होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता है फ्रेंड्स, मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा मोड़ा जानती हैं काम तो आप बार्निश लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे सस्ते पंखा में बार्निश नहीं लगा रहता है फ्रेंड्स, पैसे बचाने चक्कर में कंपनी नहीं लगाती, क्योंकि इसे वेंडिंग करना थोड़ा मुश्किल है। इसे आती है तो वही करें, हमें भी आती है फ्रेंड्स, मैं उसे डाटा भी आप लोगों को दे दूंगी तो आप कर लोगे, लेकिन इसकी कॉइल बैठाना साइज से यही सबसे डेंजर चीज़ हो जाती है कि आप उसकी साइज से आप कॉइल बैठा नहीं सकोगे, सबसे खतरनाक चीज़ यही है इस पंखे की। वेंडिंग तो आप भी कर लोगे फर्स्ट टाइम, अभी तो कर लोगे, कनेक्शन भी कर लोगे फ्रेंड्स, लेकिन आपको दिक्कत वहीं से आएगी। आप इसे साइज से बता। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू सून।